Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I have made this video for Aries zodiac sign for the Mesh Rashi के जो जातक हैं उनका 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का समय का कैसा जाएगा, मैं ये अपने कार्ड्स के थ्रू जानना चाहूँगी। एरीज राशि के जातकों का, मैं अपने आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं, मैं जानना चाहूँगी कि एरीज राशि यानी कि मेष राशि के जो जातक हैं उनका 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का समय कैसा जाएगा, 1 तारीख से 15 तारीख तक का दिसंबर का समय कैसा जाएगा मेष राशि के जो जातक हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड जो आया है वो ये बताता है कि अभी आप जो कुछ भी अभी प्लान कर रहे हैं अपने लाइफ में या जो कुछ भी चाहते हैं पाने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे मिल जाए, और वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेन समथिंग, दैट मीन्स कि कुछ भी प्लान कर रहे होंगे अपने एक ऑफिस में या कुछ प्रोजेक्ट वगैरह, या स्टूडेंट हैं तो कोई कुछ कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी दिसंबर में ये समय ठीक नहीं चल रहा है, तो अभी वो डे ड्रीमिंग की तरह है, अभी आप सोचते ही रह जाएंगे, वो काम नहीं होगा, हो पाएगा। दैट मीन्स यू विल रिमेन विद थिंकिंग ऑफ दैट थिंग ऑफ दैट वॉट एवर प्लान यू हैव मेड, बट यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान। दैट मीन्स कि आप अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर कोई डिसीशन मत लीजिए, आपकी इस वक्त इंट्यूशन बहुत अच्छी है, इंट्यूशन को थोड़ा सा आप यहाँ पे कार्ड ये भी बताता है कि आपकी हो सकता है चीज़ें जो हैं आपको पहले से पता चल जाएं कि मुझे जो है ये चीज़ ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, या ये चीज़ अच्छी है तो हो सकता है कि मैं इसको बाद में करूं, इस तरीके से फीलिंग यहाँ इंट्यूशन आपकी अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पे आप अभी बहुत ही इनोसेंट, एक स्टूडेंट का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि स्टूडेंट्स के लिए अभी समय अच्छा है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अगर मैं ये कहाँ पर कहूँ तो कुछ भी नॉलेज, जैसे आप अगर स्टूडेंट नहीं हैं, नौकरी पेशा हैं या घर में कोई हाउसवाइफ है, तो आप अपनी बुक्स वगैरह टाइम स्पेंड करिए, तो इधर उधर के दिमाग में चीज़ों में प्लान करने मत लगाइए, समय जो है बर्बाद मत करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट नाउ जस्ट रीड बुक्स एंड नॉलेजेबल थिंग्स, और यू कैन सी एनी वीडियोस, वट एवर यू जस्ट एनहेंस योर नॉलेज। यहाँ पे कार्ड्स यहाँ बता रहे हैं, और जजमेंट का कार्ड आया है, दैट मीन्स जो भी अभी आप पढ़ाई करेंगे, जो भी आप नॉलेज गेन करेंगे वो आगे जाके आपको काम आएंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में आए या हो सकता है कि दिसंबर में ही काम आ जाए, कभी भी काम आ सकती है। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स देयर विल बी अ जस्टिस वट एवर यू गेन द नॉलेज, एंड बी इन बिलीव इन रियलिटी, दैट मीन्स कि आपको अभी चीज़ों को रियलिटी में देखना होगा कि क्या सच है और क्या गलत। डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, डे ड्रीमिंग बिल्कुल मत करिएगा, जो चीज़ रियल है उसको एक्चुअली देखिए। इन 15 दिनों में हो सकता है कि आपको देखने में आए कोई चीज़ की ये असलियत है आपके सामने, इस तरह की चीज़ कुछ भी हो सकती है, ऑफिस में हो सकता है या अगर हाउसवाइफ हैं तो घर में हो सकता है कि ये असलियत है, ये मेरे सामने ये असलियत आ रही है। हो सकता है कोई आप काम कर रहे हो और आपको पता ना चल रहा हो, आपने प्लान करके बैठे हो और ये जैसे कार्ड यहाँ पे आया है कि इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, काम पूरा हो नहीं पाएगा और आप सोचेंगे कि हो जाए, तो ऐसा नहीं है, जो असलियत है वो आपके सामने आएगी, जो वो है सो है। अब आखिरी में यहाँ कार्ड सन का आया हुआ है, दैट मीन्स कि 15 दिसंबर के बाद जो है कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो जो भी आपने जो नॉलेज गेन करी है उससे आपको कॉन्फिडेंस अंदर आएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, एक आत्मविश्वास जगेगा कि हाँ मैंने अपना एटलीस्ट टाइम तो वेस्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो किया, इस तरह की चीज़ यहाँ पे ये कार्ड आपको मैसेज कर रहे हैं कि अपनी जो है वो नॉलेज को इस वक्त बढ़ाइए, चाहे वीडियोस देखिए, चाहे टीवी में कुछ अच्छे जो नॉलेजेबल सीरियल्स हैं उनको देखिए, तो एक नई शुरुआत का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा और आपको कुछ हो सकता है कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करने का आपको एक अलग ही जैसे होता है ना मज़ा आना पढ़ाई करते वक्त, उस तरह की चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई प्लान मत करिए कि मुझे नौकरी बदल देनी है या मैं जो हूँ वो पढ़ाई छोड़ करके दूसरी कंपटीशन की तैयारी के लिए कर लूँ,
जो अभी आप फिलहाल कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करिए। आई थिंक कि आपको मैसेज मिला होगा, जो एरीज राशि के लोग हैं 15 दिन के लिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।